हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि सिलेबस क्या है, या नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, या कुछ तैयारी करा दीजिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली बॉटनी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, एक तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी, दूसरा SSG यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए सिलेबस सेम है बिकॉज, और दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, और एवरेज दोनों का एग्ज़ाम सेम ही है। 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 मार्क्स सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे कि बॉटनी से, या जिसका जूलॉजी है जूलॉजी से। तो कुछ स्टूडेंट थे जिनकी क्वेरीज थी कि सिलेबस क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को सिलेबस शायद वेबसाइट पर नहीं मिल रहा होगा, या कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसमें 19 लिखा है या ओल्ड सिलेबस तो नहीं है। लेकिन जो सिलेबस अभी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया गया है, वही इसका सिलेबस होगा इस बार का भी, और SSG यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम है, सिर्फ उसमें नाम चेंज कर दिया गया है ऊपर से, और पेपर भी दोनों का सेम ही होगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट अगर कोई क्लासेस कराए या आपको पढ़ाए तो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि जो PhD का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, दैट मीन्स कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि आप PhD के लायक हैं नहीं, आपने मास्टर्स किया है MSc इन बॉटनी और जूलॉजी किया है, तो आपको इतनी नॉलेज है या नहीं, क्योंकि 50% में यहाँ पर क्वालिफाई होता है एग्ज़ाम, 100 में से 50 मार्क्स आप ला सकते हैं या नहीं। तो ये ओवरऑल नॉलेज पर डिपेंड करता है आपकी MSc की और BSc की, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वैसे 3-4 पेज का ही सिलेबस है, लेकिन इसमें डिटेल में दिया नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चन सभी जगह से आते हैं, BSc से MSc तक, क्योंकि BSc में जो चीज़ें होती हैं उसी को आप MSc में पढ़ते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे MSc का ही सिलेबस हमें कवर करना चाहिए, MSc की बुक्स, और ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में डिटेल में कवर करने की, क्योंकि जिसने अभी अभी MSc कंप्लीट की है उसका इजीली मार्क्स आ जाते हैं, और 60+ मार्क्स में PhD की सीट मिल जाएगी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में भी सेम ही चीज़ है, 60+ मार्क्स में आ जाता है, 70-80 से मार्क्स ज़्यादा नहीं आते किसी के भी, तो उससे कम में 60-70 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो ईजिली एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इससे ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन 50 मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है, क्योंकि उसी में क्वालिफाई है, 50 मार्क्स आने पर ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर नोट्स की बात करें तो सिलेबस ऐसा होता है, अगर जूलॉजी और बॉटनी दोनों की बात करें, सिलेबस अगर आपको कहीं से भी कंप्लीट नोट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि ओवरऑल नॉलेज पर मैंने जैसा आपको कहा कि डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझने के बजाय याद रख सकते हैं या रट सकते हैं, तो उन चीज़ों का आप काफ़ी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बॉटनी की बात करें तो बहुत सारी फंगल डिजीज होती हैं, या वायरल डिजीज होती हैं, प्लांट्स में बैक्टीरियल होती हैं, या बहुत सारे ऐसे जेनरिक होते हैं, जेनरिक फंजाई के जेनरा होते हैं जिनके कॉमन नेम होते हैं, उसी तरीके से ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सभी में होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप एक पर्टिकुलरली काफ़ी शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, और सिलेबस इतना ज़्यादा है, कहाँ से क्या आएगा हमें नहीं पता है। लेकिन इससे पहले मैंने इसी चैनल पर 3 पेपर अपलोड किए हैं बॉटनी के, 18, 19 एंड 20 के, जो इनफ हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी तक, और अभी भी होंगे, क्योंकि अभी तो SSJ एंड के कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों के सेपरेट पेपर होंगे, तो वहाँ पर अगर आपने दोनों का फॉर्म फिल किया होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन अगर रिपीट ना भी हुए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ज़्यादा टफ नहीं आता, MSc का ही आता है, MSc में भी उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी एक बात याद रखिए, जैसे हम MSc में पढ़ते थे बॉटनी और जूलॉजी में, प्योर क्लासिकल जूलॉजी एंड बॉटनी, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हमें लाइफ साइंस कम पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इंट्रेंस में लाइफ साइंस भी से भी काफ़ी पार्ट आता है, क्योंकि 50-60% ही लोअर बॉटनी यहाँ पे आएगा, बाकी आपका सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर मेथड, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप सभी चीज़ों को इक्वली प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद अगर सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में एक एक यूनिट में, सबसे पहले तो मैंने कहा कि सिलेबस काफ़ी कंजेस्टेड दिया है, दैट मीन्स कि कम डिटेल में दिया है, ब्रीफ में दिया है, तो इससे तो पता नहीं लगेगा हमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे दिया है माइकोराइजी है, माइकोटॉक्सिन है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको गूगल पर सर्च करके भी इनके बारे में एक बेसिक डिटेल पता चल जाता है, और वहीं से क्वेश्चन दिया जाता है कि ये टर्म किसने दिया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी,
तो ये चीज़ें आप एक एक सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस में क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से आते हैं, सिलेबस से बाहर आया है ऐसा नहीं है। तो सिलेबस में जितना है वो तो आप कवर कीजिए ही। जैसे लाइकेन है तो लाइकेन में आप लाइकेन के टाइप्स, उसका फंगल और एल्गल कंपोनेंट सभी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जितना आपका एमएससी की बुक्स में या बीएससी की बुक्स में दिया है उससे बाहर नहीं। तो इस तरीके से सभी चीज़ें हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जैसे पैलियोबॉटनी यहाँ पे दिया है, तो टाइप्स ऑफ फॉसिल कैसे कैसे होते हैं और उनके फीचर पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जैसे हेट्रोस्पोरी, यहाँ पे होमोस्पोरी दिया है, तो हेट्रोस्पोरी का मीनिंग क्या होता है, सीड हैबिट किस में हमें देखने को मिलती है, टाइप्स ऑफ फॉसिल है, और ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और जैसे कि यहाँ पर स्टीलर थ्योरी एंड स्टीलर सिस्टम या स्टीलर इवोल्यूशन या टीलियोम थ्योरी है, तो ये किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, कब दिया था ये तक पूछा जाता है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जैसे कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया, तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट है हमारा, लीनियस का स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इस तरीके से पूछता है। आईसीबीएन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर और टाइप्स हैं इसमें, जैसे आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, ये सब, टोटोनिम किसे कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, टेक्सोनॉमिक टूल्स करके टेक्सोनॉमी में अलग से टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेंथम एंड हुकर से क्वेश्चन आएगा, हचिनसन से आएगा, इस तरीके से जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया है सबसे पहले तो आप उसे कंप्लीट कीजिए, आपका सिलेबस पूरा खुद ही कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से बुक्स में मिल जाती हैं। यहाँ पर जितनी भी फैमिली दी हैं सभी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को याद रखिए, रैनकुलेसी में क्या है, उसके इंपोर्टेंट जेनरा कौन से हैं, रोजेसी में कौन से जेनरा आते हैं, रोजेसी का क्या फीचर है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, बेंथम एंड हुकर ने उसे कहाँ प्लेस किया था, इस तरीके से बेसिक आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से सभी फैमिली हैं इंपॉर्टेंट हैं, एस्टरेसी, लेमियसी, ऑर्किडेसी, सभी के अपने अपने फीचर हैं। उसके बाद जैसे एंडेमिज्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंडेमिज्म सबसे पहले किसने दिया था, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंडेमिज्म, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो एक एक डेफिनेशन इनकी होती है उतने से काम चल जाता है। बीएसआई है, बीएसआई के बारे में क्वेश्चन आया है कई बार, कहाँ लोकेट है, कब एस्टेब्लिश हुआ, और जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म से क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था, साइकेडेल्स, जिंकोएल्स, कॉनिफरेल्स, सभी में डिफरेंस पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेल एंड मॉल बायो आ जाता है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन उस लेवल तक नहीं आता, सेल साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए के स्ट्रक्चर से, राइबोसोम से, साइटोस्केलेटन से, सेल वॉल से क्वेश्चन आ सकता है, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन से। उसके बाद इम्यूनोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप के होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आता है, एंटीजन एंटीबॉडी से भी क्वेश्चन आ सकता है, और सेल साइकिल से तो आएगा ही आएगा, माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी है, जैसे यहाँ पर सिर्फ कन्फोकल माइक्रोस्कोपी लिखा है, तो आप कन्फोकल माइक्रोस्कोपी को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाते होंगे वो सीधे सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, आई थिंक कि सिलेबस में जितना हमने दिया है उससे तो क्वेश्चन पहले पूछें, उसके बाद तो तब पूछेंगे जब डिफरेंट पेपर बनाने होंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आती पेपर बनाने में, वो सीधे सिलेबस से देते हैं डायरेक्ट, कई बार तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस देख के सॉल्व हो जाते हैं, इतने इजी भी होते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, टोटिपोटेंसी क्या है, टर्म किसने दिया था, कैलस क्या है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू कल्चर क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है, कैलस कल्चर क्या है, एम्ब्रियो कल्चर क्या है, एम्ब्रियो कल्चर किसने दिया था, माइक्रो प्रोपोगेशन किसने दिया था और क्या होता है, सोमेट्रिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, आर्टिफिशियल सीड क्या है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आता है, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट इकोलॉजी है, इकोलॉजी बहुत ही इजी वाला पार्ट इसमें दिया गया है, जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पॉल्यूशन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओजोन लेयर से क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल हैं जैसे कि मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, और बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन कब हुआ था जिसे अर्थ समिट कहा जाता है, इन सबसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन साइटोलॉजी लिखा है जो कि सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, क्योंकि सिलेबस उतना सही से तो नहीं बनाते लोग। साइटोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पूरा जेनेटिक्स है हमारा, प्लांट ब्रीडिंग से तो एक क्वेश्चन एक या दो आ जाएगा, मेनली यहाँ पे जेनेटिक्स है जो मेंडेलियन जेनेटिक्स था, और म्यूटेशन वगैरह
उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, ये इसमें आपको पता ही होगा क्योंकि हमें पढ़ना होता है डिफरेंट टाइप की साइकिल हैं। फोटोसिंथेसिस है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है। हाँ, सिग्नलिंग से ज़रूर क्वेश्चन आता है प्लांट की, हॉर्मोन्स का हो गया, और रेस्पिरेशन तो हमारा कॉमन हो जाता है बायोकेमिस्ट्री में और प्लांट फिजियोलॉजी में। उसके बाद प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में हमारा एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है। यहाँ पे प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी से टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक जैसे हैं और एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है, मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है। रूट एंड स्टेम का डेवलपमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफरेंट टाइप की थ्योरी दी हैं, किसने दिया था, जैसे कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दिया था, हिस्ट्रोजन थ्योरी किसने दिया था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी से भी क्वेश्चन आते हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सीटू एक्स सीटू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाविलोप के जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोमेस्टिकेटेड प्लांट के सेंटर्स उन्होंने दिए थे, कब दिया था कॉन्सेप्ट, और प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, कब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कब वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सिलेबस इतना ही दिया है इसमें, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। आप सबसे पहले एमएससी में जितने सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं उसी के हिसाब से पढ़िए, और उन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, उससे ज़रूर बेनिफिट होगा। अलग से नोट्स प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है। एक बार आपका एंट्रेंस हो जाएगा तो उसके बाद अलग से मेरिट तो नहीं आएगी, सिर्फ एंट्रेंस की। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, देन इंटरव्यू की फ़ीस सबमिट करने के बाद इंटरव्यू जब होगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना होगा। तो वो चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा, तो अभी तो इतना ही कह रहा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पीएचडी में जब एडमिशन लेना होगा मेरिट में लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उस टाइम पे टाइम कम पड़ जाता है। अगर आप श्योर हैं कि आपको एडमिशन लेना है, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप उससे पहले किसी न किसी गाइड से बात जरूर करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट रैंक भी आता है तो ज़रूरी नहीं है आपको अपनी पसंद का गाइड मिल जाए यूनिवर्सिटी में कहीं भी, तो आप सबसे पहले बात कर लीजिए अपने गाइड से अभी से, इंट्रेंस नहीं हुआ है उससे पहले भी आप बात कर सकते हैं कि मुझे आपके अंडर में रिसर्च करनी है। अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको कोई दूसरा गाइड ज़रूर मिल जाएगा अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है। तो अगर आप बात पहले से करेंगे किसी गाइड से तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, भले ही आपका इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए ना आए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी है। फर्स्ट में या मेरिट लिस्ट में अच्छी पोजीशन लाना कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, इजीली हो जाता है, बहुत कम बच्चे एंट्रेंस यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी का देते हैं, तो इजीली हो जाएगा सभी का एडमिशन। आई थिंक एसएसजे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सीटें हैं इस बार, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कम सीटें दी गई हैं, 5 सीटें हैं वहाँ पर, लेकिन ये सीटें टेंटेटिव होती हैं, बाद में इंक्रीज ज़रूर होंगी, रिड्यूस नहीं होंगी बल्कि इंक्रीज ही होंगी जितनी भी होंगी। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।